Hey guys, welcome and welcome back to my channel, जहां हम पढ़ेंगे और आप सुनेंगे। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि आज से मैंने स्टार्ट करना है MCS 11, जो कि सी प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो आज उसका पार्ट वन है, जो कि हम आज पार्ट वन में ब्लॉक वन के यूनिट वन को देखेंगे। ठीक है, चलते अपने टॉपिक के तरफ। अपने टॉपिक के बढ़ने से पहले मैं आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करो, प्लीज शेयर करो और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करो। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो टॉपिक पे। हमारे बुक में एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। व्हाट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, यूजुअली देखा जाए तो प्रोग्रामिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। यू नो, इफ यू आर अ गुड प्रोग्राम सॉल्वर, यू कुड बिकम अ गुड प्रोग्रामर। ठीक है, प्रोग्राम सॉल्विंग मेथड आर कन्वर्टेड इन मेनी सब्जेक्ट ऑफ एरियाज। ठीक है, जैसे कि अब बिजनेस सिस्टम के अप्रोच के थ्रू मैं बताऊँ तो इंजीनियरिंग एंड साइंस स्टूडेंट यूज द इंजीनियरिंग एंड साइंस मेथड, बट एक प्रोग्रामर यूज करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड, यानी प्रोग्रामर यूज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा बताना चाहूंगी कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम का यानी किसी भी समस्या का इजीली हल ढूंढना। अगर आप एक गुड प्रोग्रामर प्रॉब्लम सॉल्वर हो, यानी एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो, तो तुम एक अच्छे प्रोग्रामर भी बन सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि सिस्टम डेवलपमेंट के मेथड से मैं बताऊं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड यानी प्रोग्रामर के थ्रू जो प्रोग्रामर यूज करता है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग अ कंप्यूटर यू नीड टू थिंक केयरफुली अबाउट द प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। इसको थिंक, जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम होता है, यू कंप्यूटर यू आर यूजिंग और अ कंप्यूटर, यू नीड टू थिंक केयरफुली अबाउट द प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। सेकेंड स्टेप बता सकते हैं कि एनालाइज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को एनालाइज करने की कोशिश करो कि क्या कहता है प्रॉब्लम। सेकेंड के स्पेसिफाई द प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट, इस प्रॉब्लम में देखो कि आखिर प्रॉब्लम हमसे रिक्वायर क्या करता है, पूछ क्या रहा है, हमें देना क्या है। ठीक है, उसके बाद एक मैं बता दूं स्ट्रेटजी सॉल्विंग का, जैसे कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, अभी जस्ट मैंने बताया। अब इसमें देखते हैं ना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोग्रामिंग का स्ट्रेटजी क्या हो सकता है। तो फर्स्ट कर सकते हैं कि प्रॉब्लम एनालाइज करना होता है, कैसे क्या क्वेश्चन दे रखा है, उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना। प्रॉब्लम एनालाइज में हम क्या कह सकते हैं कि थॉटली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, एंड सेकंड की अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन, एंड थर्ड द प्रॉब्लम इज अ कॉम्प्लेक्स, यू नो यू नीड टू डिवाइड इट इनटू सब प्रॉब्लम एंड रिपीट स्टेप 1 एंड 2। That is, you need to analyze each sub problem and understand its requirement, right? तो इस चीज को देखा जाता है problem statement. Problem statement में हम कह सकते हैं कि the total cost of applies given the number of kilos and apples put purchased and the cost per kilo as of a apple. We can summarize the information contained in the problem statement as follow, है ना? तो इस तरीके से प्रोग्राम का इनपुट आउटपुट भी होता है। जैसे कि इनपुट में हम कह सकते हैं कि जो भी हमने एप्पल लिया उसका क्वांटिटी कितना है वो देख सकते हैं, कितने किलो का मिला यानी कॉस्ट पर किलो ऑफ एप्पल वो देख सकते हैं, एंड आउटपुट क्या निकलता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ एप्पल इन विद इन कितने किलो में लिया मैंने, उसका परचेजिंग का टोटल प्राइस लगता है। लेकिन फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं कि कैसे हम निकाल सकते हैं कि कितना कितना एप्पल का कितना कॉस्ट हुआ, तो ऐसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ किलो ऑफ एप्पल इंटू पर कॉस्ट किलो। जैसे कि एक किलो सेब लेते हैं तो उसका कॉस्ट मान लो 20 रुपीज है, हम 2 किलो लेते हैं तो 40 रुपया हुआ ना। तो इसको कैसे फॉर्मूला करा हमने, फॉर्मूला करें कि नंबर ऑफ किलो एप्पल एंड इनटू पर कॉस्ट किलो, राइट? तो सेकंड है कि एल्गोरिथम डिजाइन, हाउ टू एल्गोरिथम, राइट? तो चलते हैं एल्गोरिथम की तरफ। एल्गोरिथम हमसे क्या मांगता है, क्या है ये, थोड़ा इसको डीपली समझा जाए, है ना? एल्गोरिथम क्या है? द एल्गोरिथम इज द अब्स्ट्रैक्ट आइडिया
to solve solving a problem. ये एक algorithm है जो कि abstract करता है ideas को हमारे problem को solve करने के लिए, ठीक है? An algorithm is step to step problem solving in the process which is solution is arrived at a finite amount of time. इसको ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में solve करने की कोशिश करने के एक process है जो कि जिसको हम algorithm कहते हैं. अब देखते हैं कि how to write algorithm, ठीक है? तो algorithm को कैसे write कर सकते हैं? एक an algorithm is a sequence of a statement to perform some operation. You can write algorithm with the following layout, such as algorithm name, statement of algorithm, and in algorithm name. So such as the process of which is business. See here. Let's some algorithm question which is we are facing exam. हम कुछ algorithm देखेंगे जो हम लोग exam में face करते हैं, उस वैसा questions देते हैं हमें exam में IGNU वाले हमारे paper में. तो हाँ, usually बहुत सारे questions देते हैं जो कि मैंने analyze करके उस paper में जो भी बार-बार different करके पूछा जा रहा था उसको मैंने लिया है कि let's try to develop an algorithm to compute to display the sum of two numbers. First of all, ki we need to see here ki iska symbols kya ho sakta hai, kaise symbols ko cover karte hai na. So isko symbol dekhna bahut zaruri hai, tab ye questions hum log karenge. Symbols of flow chart mein dekhenge, don't worry. But ye kaise kar sakte hai, to first of all we need to start. Pehle hame start karne ki koshish karni hogi aur hame question mein dekhna hoga ki hame kya keh raha hai. तो सम ऑफ टू नंबर, हमें टू नंबर को लेना है, ठीक है, जो कि ऐड करना है. तो रीड टू नंबर ऑफ ए एंड बी, सब मैंने पहले कोई भी इनपुट ले, आप एक्स वाई भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, लेकिन एक वेरिएबल होना चाहिए. एंड देन कैलकुलेट द सम ऑफ ए एंड बी द स्टोर इन इन सम, ठीक है. एंड फोर में क्या करेंगे, फोर स्टेप हमारे क्या होगा कि डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ सम एंड देन द स्टॉप, ठीक है. इसका सबका स्क्रीनशॉट प्लीज लेते जाना ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो. यहाँ देखते हैं, दो नंबर मैंने क्वेश्चन लिया है कि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके पेपर में आता है कि एल्गोरिथम लिखो वेदर गिवन अ नंबर इज प्राइम और नॉट, ठीक है, तो उसको भी देखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ऑलवेज स्टार्ट एंड देन रीड अ नंबर, फिर एनालाइज करना, फिर टू से आई को छोटा करना, टू से फ्लैग को छोटा करना बनता है, एंड रिपीट द फोर्थ फोर्थली सिक्स यून अंटिल आई लेस देन नंबर ऑफ फ्लैग ऑफ इज इक्वल टू जीरो, ठीक है. एंड फाइव स्टेट में करता है रिमेन करना होता है नंबर को मॉडिफाइड से आई से, एंड इफ रिमेन इज जीरो देन फ्लैग इज आल्सो जीरो, एल्स इफ आई लेस देन I plus 1, the flag is, जो भी flag होगा हमारा वो zero हो जाएगा. The weather is कि वो prime number हो नहीं सकता, तो वहाँ पे हम लोग को show करेगा कि print number is not a prime, else अगर number prime है तो prime show करेगा print number of prime, and then we stop. चलते हैं next topic पे. यहाँ पे आप लोग के लिए क्वेश्चन मैंने दे रखा है, आज की वीडियो यहीं पे मैं स्टॉप करूंगी क्योंकि आज मैंने हम लोगों ने दो तीन टॉपिक को कवर करा है. तो आज के लिए आप लोग का क्वेश्चन ये हो गया कि राइट कैलकुलेटर कैलकुलेट द फैक्टोरियल नंबर ऑफ गिवन नंबर, ठीक है. इसका आंसर आप बना के भेजो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा फ्लो चार्ट नहीं है कि आप लोग को सर्कल नहीं मिलेगा, जो भी हम लोग को सिंबल्स यूज करते वो नहीं होगा. कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो कि आप लोग को क्या लगता है कि कैसे ये बनेगा. जिन लोगों को पहले ही बना रखा है वो भी भेज दें ताकि उन लोग का रिविजन हो जाए. एंड कमेंट बिलो राइट नाउ, एंड जिन लोगों ने नहीं आ रहा है वो भी कमेंट करें ताकि उसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में ला पाऊँ, ठीक है. तो एक और फ्लो चार्ट कल हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी. आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. टेक केयर, बाय बाय.